हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। चलिए समझते हैं फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस घटना का संबंध हमारे डेली लाइफ से भी होता है। आप कभी सोचे हैं कि पानी से भरा हुआ टैंक का जो तली होता है या फिर बाल्टी का जो तली होता है, वो हल्का सा उठा हुआ क्यों दिखता है? या अगर आप कांच के ग्लास या कोई भी बर्तन में पानी डालकर उसमें पेंसिल डालते हैं या कोई भी छड़ डालते हैं, तो हल्का सा मुड़ा हुआ दिखता है या टूटा हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? या फिर अगर ग्लास स्लैब के ऊपर से आप देखते हैं तो कोई भी अक्षर हल्का सा उठा हुआ या बड़ा दिखता है, क्यों? या फिर अगर ग्लास कांच के कोई भी बर्तन में अगर आप पानी डालकर उसमें नींबू डालते हैं तो नींबू अपने रियल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखता है, क्यों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? या फिर अगर कांच के ग्लास में या कोई भी बर्तन में अगर आप सिक्का डालते हैं तो सिक्का हल्का सा उठा हुआ दिखता है, क्यों ऐसा होता है? ये सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। और आपको इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ना है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ यानी कि अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, यानी कि हट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ परिभाषा था, आप लोग लिख लीजिएगा, समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? समझेंगे तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन, पहले आप समझिए माध्यम किसे कहते हैं। मैं जो बोली ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो माध्यम मतलब क्या? माध्यम मतलब प्रकाश के चलने का माध्यम। अगर प्रकाश हवा में चल रहा है तो हवा एक माध्यम है, अगर लाइट जो है वो कांच में जा रहा है तो कांच एक माध्यम है, हवा जो प्रकाश जो है अगर वो पानी में चल रहा है तो पानी एक माध्यम है, धुआं में चल रहा है तो धुआं एक माध्यम है। यानी कि हवा, पानी, धुआं, आप लोग जो चश्मा पहनते हैं, लेंस में अगर प्रकाश आर पार कर जा रहा है तो वो भी एक माध्यम है। तो हवा, पानी, धुआं, ये सब क्या है? माध्यम है, जो प्रकाश के चलने के लिए एक माध्यम बनते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, जहाँ कोई भी माध्यम नहीं है, क्या वहाँ पर प्रकाश चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है तभी भी प्रकाश चलता है यानी कि गमन करता है, तो उसको बोला जाता है निर्वात। एग्जाम्पल दूँ, जो सूर्य होता है, सूर्य अंतरिक्ष में होता है, हमारे पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, और उस सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, अंतरिक्ष में ना हवा होता है ना पानी होता है, कोई भी माध्यम नहीं होता है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है? निर्वात होता है। और उस अंतरिक्ष से ही यानी कि सन जो होता है, लाइट, सन से जो लाइट आती है वो अंतरिक्ष को पार कर कर यानी कि निर्वात में ही आती है, निर्वात से होकर ही आती है। और ऊपर से पृथ्वी, हम लोगों का जो पृथ्वी है इसको चारों तरफ वायुमंडल होता है यानी कि हवाएं चलती रहती है, तो जो सूर्य से पृथ्वी आती है, एक तो निर्वात को पार करती है, प्लस हम लोगों का जो पृथ्वी का वायुमंडल है जिसमें हवा चलता रहता है हमेशा, तो उसको भी पार करती है। सूर्य की प्रकाश आएगी यहाँ से, मान लीजिए अंतरिक्ष है, यहाँ से सूर्य की किरणें आएगी तो निर्वात को भी पार करेगी और पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि हवा को भी चीरते हुए हम लोगों के पृथ्वी पर आती है, ठीक? तो माध्यम समझ में आ गया, अब समझिए आगे, बहुत आसान है समझना, बस आप हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनिए और स्किप नहीं कीजिएगा। आप कोई भी एक माध्यम लीजिए, माध्यम वन, कोई भी एक माध्यम ले लीजिए, माध्यम वन, जैसे कि हवा ले लीजिए, हवा में प्रकाश को गुजारिए, मान लीजिए ये हवा हो गया, ये क्या हो गया? हवा हो गया पूरा। अब इसमें से आप एक लाइट को गुजारिए, प्रकाश किरण को, बिल्कुल प्रकाश, ये हवा है ना, बिल्कुल सीधे रास्ते से निकलती चली जाएगी, इस तरह निकलती चली जाएगी, तो प्रकाश को गुजारेंगे तो इस तरह निकलती चली जाएगी प्रकाश, अपनी सीधे रास्ते में चलती चली जाएगी, ठीक है, जब तक हवा रहेगा। लेकिन जहाँ तक हवा रहेगा वहाँ तक प्रकाश सीधे चलती चली जाएगी। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप बीच में माध्यम को चेंज कर दीजिए, माध्यम को क्या कीजिए? चेंज कर दीजिए, मत जाने दीजिए प्रकाश को। तो क्या माध्यम चेंज कर लीजिए, मान लीजिए पानी ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि मैं हवा ले रही हूँ तो आप हवा लेंगे, पानी ले रहे हैं तो पानी लेंगे, आप कोई भी माध्यम ले सकते हैं। हवा इस तरह लाइट सीधे जा रही थी, आप बिल्कुल, ये पानी नहीं था तो हवा में लाइट सीधे अपने रास्ते से निकल रही थी, आपने माध्यम चेंज कर दिया, पानी ला दिया, ठीक,
तो अब आगे क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये हवा है और ये पानी है, दो माध्यम हो गया ना, इन दोनों को अलग करने वाली ये सतह हो गई, ये सतह। और इस सतह को क्या बोला जाता है? अपवर्तक सतह। क्या बोला जाता है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्यों? क्योंकि यही इसी सतह पर अपवर्तन होता है, वो मैं बताऊँगी। पहले इस सतह को क्या बोलते हैं? अपवर्तक सतह, या फिर पृथक्कारी पृष्ठ भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है? माध्यम वन हवा और पानी को अलग कर रहा है, तो इस सतह को पृथक्कारी पृष्ठ या अपवर्तक सतह कहते हैं। और ये जो आने वाली किरण है ना, इस किरण को बोलते हैं लो आपतित किरण, इनिशियल रे, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है, इस बिंदु पर आ रही है ना, तो इस बिंदु को आप लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और अब इस बिंदु पर आप एक 90 डिग्री का लाइन खींच दीजिए, इस तरह 90 डिग्री का लाइन खींच दीजिए, यानी कि लंब डाल दीजिए। इस लंब यानी कि अभिलंब को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्यों? क्योंकि आप आपतन बिंदु पर ही ना अभिलंब डाल रहे हैं, 90 डिग्री का लाइन खींच रहे हैं, इसलिए आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये लाइन क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब सुनिए, माध्यम पहले वन था, सिर्फ हवा था, तो प्रकाश सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, कोई रुकावट नहीं। लेकिन आपने माध्यम चेंज कर दिया, माध्यम टू ला दिया पानी। अब ये जो पानी माध्यम, पानी वाला माध्यम आ जाने की वजह से अब ये जो प्रकाश किरण है ना, वो सीधे न जाने के, सीधे जाने के बजाय, इस तरह सीधे जाने के बजाय, या तो ये हो गया पथ, यानी कि वास्तविक इस किरण का जो पथ था, रास्ता था, अब ये अपने रास्ते में जाने के बजाय माध्यम चेंज होने की वजह से या तो इस पथ से यानी कि अपने रास्ते से अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। फिर से अगर माध्यम वन में से माध्यम टू में अगर कोई प्रकाश जा रही है, प्रकाश किरण, तो या तो वो अपने पथ से अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि आपने माध्यम चेंज कर दिया, पानी ला दिया। पहले हवा था तो सीधे जा रही थी, माध्यम चेंज कर दिया, पानी ला दिए, तो पानी की वजह से ये अपने जो उसका रियल रास्ता था, रियल पथ था, वो अपने पथ से विचलित हो गई, या तो वो अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुकी या अभिलंब से दूर हटी, ठीक। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल है, अब याद करने की भी ज़रूरत है इसमें। प्रकाश किरण, ये हो गई प्रकाश किरण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। डिफ़िकल्ट है? नहीं, बहुत आसान है, परिभाषा तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरह याद हो गया। अब एक बात सुनिए, इसका डेली लाइफ से क्या रिलेशन है समझ लेते हैं। यहाँ पर आप एक कटोरा लीजिए, कटोरा मतलब बॉल ले लीजिए, इसमें आप पानी डाल दीजिए, कांच का कटोरा या फिर, ठीक है, यहाँ तक पानी आप भर दिए, ये सब पानी है, ठीक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर आप एक सिक्का डाल दीजिए, कितना भी रुपये का सिक्का हो, एक रुपया, दो रुपया, कोई भी सिक्का आपके पास हो डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिक्का डाल दिए और आप यहाँ पर खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए? यहाँ पर खड़े हो गए, ये हो गए खड़े। अब आप यहाँ से सिक्के को देखेंगे, कैसे देख पाते हैं आप लोग, ये मैं बता चुकी हूँ ना। जब किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर पर सबसे पहले प्रकाश गिरेगा, हमारे आसपास जो लाइट है उसमें से इस मार्कर पर गिरेगा लाइट, और इस मार्कर से टकराकर हमारी आंख तक आएगा, इसीलिए हम इस मार्कर को देख पाएंगे। उसी तरह यहाँ पर है, इस, ये जो आप खड़े हैं, आप खड़े होकर इस सिक्के को देख पाएंगे। कैसे? सबसे पहले इस सिक्के पर प्रकाश गिरेगा और इस प्रकाश गिरने की वजह से सिक्के पर इससे टकराकर आपकी आंख तक जाएगा, इसी वजह से आप सिक्के को देख पाएंगे। तो सुनिए, समझते हैं, इस सिक्के पर प्रकाश आ गया और जब ये आपकी आंख तक जाएगा ना, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपकी आँख तक ये सिक्के का प्रकाश, दो ठोरे निकाल रही हूँ, दो ठो प्रकाश किरण, क्योंकि दो ठोरे निकाला जाता है, ठीक है। जब ये प्रकाश किरण इस सिक्के से आपकी आँख तक जाएगा, देखे आपको देखने के लिए मतलब, तो क्या होगा?
ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है, ये इस बोल में यानी कि कटोरा में क्या है, पानी है। और आप जहाँ पर देख रहे हैं क्या वहाँ भी पानी है? नहीं, वहाँ पर हवा चल रहा है। क्या चल रहा है? हवा। यहाँ पर माध्यम वन क्या था? हवा। माध्यम टू क्या था? पानी। यहाँ पर भी देखिए, हवा और पानी। समझ में आ रहा है, यानी कि माध्यम वन हो गया हवा, माध्यम टू हो गया पानी। अब ये जो प्रकाश किरण निकल रहा है, ये पानी वाले माध्यम से निकल रहा है और आपकी आंखों तक जाने के लिए माध्यम चेंज हो जा रहा है, यानी कि हवा आ जा रहा है, ये हवा आ जा रहा है। तो यहाँ पर एक अभिलंब डालिए। अब बात ज़रा सुनिए, ये अभिलंब मैं मिटा दे रही, ज़्यादा ही हो जाएगा, इसीलिए पानी से प्रकाश निकल रही है, आपकी आंखों तक जा रही है। हवा चेंज होने की वजह से ये सीधे रास्ते जाने के बजाय, ये अपने रास्ते से जाने के बजाय हल्का सा विचलित हो जाएगी इस तरह, ठीक है। हल्का सा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, यानी कि अपने पथ से हट जाएगी। इसका रियल रास्ता क्या है? वास्तविक रास्ता ये है, इस तरह जाती अगर हवा नहीं रहता, अगर यहाँ पर भी पानी रहता ना, तो ये इस रास्ते से जाती और इस रास्ते से जाती। लेकिन आप हवा ला दिए हैं, पानी को छोड़कर आप यहाँ पर हवा ला दिए, तो हवा लाने की वजह से यहाँ इस रियल अपने पथ से, यानी कि अपने रास्ते से विचलित हो गई, हट गई और ये इस तरह चली गई। अब ज़रा आप इसको पीछे मिलाइए, देखिए कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना, और यहीं पर आपका सिक्का दिखाई देगा। देखिए यहाँ से इस तरह गई और यहाँ पर आकर मिल गई। अब जो आपको सिक्का दिखाई देगा वो आपको हल्का सा थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों हुआ ये? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, क्योंकि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और अपने रियल रास्ते से जाने के बजाय थोड़ा सा मुड़ गया, और मुड़ जाने की वजह से आपको सिक्का हल्का सा उठा हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि आपको पानी में सिक्का जो होता है हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है। या फिर आप कोई भी कटोरा या ग्लास में अगर पेंसिल डालेंगे पानी भरकर कांच के, तो वो ये जो पेंसिल या छड़ी कुछ भी डालेंगे वो हल्का सा मुड़ी हुई दिखाई देगी। यही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। या फिर तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन ही के कारण। जैसे कि यहाँ पर समझिए, एक तारा लेकर मैं समझा रही हूँ, एक तारा, ये तारा हो गया अंतरिक्ष में, और आप यहाँ पर मान लीजिए खड़े हैं, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है और यहाँ पर आप खड़े हैं, छोटा बना दे रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आता है और ये आपके पृथ्वी का वायुमंडल है, क्या है ये? पृथ्वी का वायुमंडल है, जो कि ये हवाएं खूब तेज़ चलती हैं, ठीक है। अब ये जो तारे से प्रकाश आता है, तो क्योंकि तारा पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो तारे का जो प्रकाश होता है वो आता है तो उस पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना, वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद से अंतरिक्ष से होकर भी गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी में बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, बहुत तेज़, और जब ये तारे से प्रकाश आता है ना, तो इस हवा के तेज़ चलने के कारण कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, और फिर आपकी आँख तक पहुँचता है। यानी कि हवाओं के तेज़ चलने के कारण ये तारे का लाइट जो होता है ना, वो विचलित हो जाता है, अपने पथ से हट जाता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, और तब आपकी आँख तक पहुँचता है। तो आपकी आँख को लगता है क्या कि तारा यहाँ पर है, आपकी आँख को क्या लगता है? तारा यहाँ पर है, और फिर कभी दिखता है कि यहाँ पर है, फिर कभी दिखता है यहाँ पर है, कि फिर कभी दिखता है यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, और इसी वजह से आपको तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, क्योंकि रियल आपको दिखता ही नहीं है। हवा के चलने की वजह से प्रकाश अपने रास्ते को भूल जाता है, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, फिर अपने रास्ते पर आ जाता है, फिर विचलित होता है, फिर अपने रास्ते पर आ जाता है, और इसी वजह से तारा आपको टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। अब देखिए आगे मैं आपको बता दूँ, आगे बहुत ही अच्छा, और जितनी भी घटना होती है ना, जितनी भी घटनाएं होती है, जो पानी से भरा हुआ टैंक या बाल्टी होता है उसका तली हल्का सा ऊपर उठा दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कांच के बोल या कोई भी बर्तन में अगर आप नींबू डालते हैं तो नींबू अपने रियल साइड से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो भी मैं बताई हूँ शुरू में, वो सारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब ज़रा आप लोगों के दिमाग में एक सवाल खटक रहा होगा कि
आप ये जो बोल रही हैं कि जब कोई प्रकाश माध्यम वन से माध्यम टू में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, या तो अविलंब की ओर झुकता है या अविलंब से दूर हटता है, तो आप हमें बताइए कि कब ये अविलंब की ओर झुकेगा और कब अविलंब से दूर हटेगा, ये आप हमको बताइए। ये ज़रूर आपके दिमाग में सवाल खटक रहा होगा ना, इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, एक मिनट, आप एक हवा ले लीजिए, हवा माध्यम, और एक पानी ले लीजिए बिल्कुल उसी तरह। ठीक, आप हमें बताइए कि हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होगी कि पानी में, यानी कि हवा में सबसे तेज प्रकाश चलेगा कि पानी में। ऑफिशियली बात है कि हवा में ही ना प्रकाश तेज चलेगा, पानी की अपेक्षा, पानी की तुलना में हवा में प्रकाश तेज चलेगा। मान लीजिए मैं आपको कार चलाने के लिए दूं और रोड पर भीड़ है तो आप उतना तेज़ी में नहीं जा पाएंगे, और वहीं पर रोड खाली रहेगा तो आप तेज़ी से चलाएंगे कार को। उसी तरह यहाँ पर भी होता है, हवा की जो कण होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, तो प्रकाश इसमें बहुत तेज़ गति करेगा, और पानी में क्योंकि थोड़े थोड़े इसके तुलना में पास पास होते हैं तो इसमें इसके तुलना में हवा के तुलना में थोड़ा धीरे धीरे। तो देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश तेज चलता है उस माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की गति धीमी होती है इसके तुलना में, उस माध्यम को बोला जाता है सघन माध्यम, यानी कि घना है, सघन है, इसमें कण जो होते हैं वो घने होते हैं जिसकी वजह से प्रकाश धीरे धीरे चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। ठीक, समझ में आया? अब एक मिनट, जिसमें प्रकाश तेज चले उसको क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, यानी कि प्रकाश की गति तेज हो उसे विरल माध्यम, और जिसमें कम हो उसे क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अब ये हो गया विरल माध्यम, हवा क्या हो गया? विरल माध्यम, विरल माध्यम, हवा विरल माध्यम हो गया ना। अब ये हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ, और आप एक लाइट को गुजारिए यहाँ से, इस लाइट को, तो आप इस पर पहले अविलंब खींचिए। ये हो गया आपका अपवर्तक पृष्ठ, ये लाइट आ रही है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अब ये सिर्फ हवा रहता तो ये सीधे इस तरह गुजर जाती, क्योंकि आप पानी ला दिए हैं, यानी कि सघन माध्यम ला दिए हैं, यानी कि किरण जो हो रही है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगी। और एक और बात, अब मान लीजिए पानी ऊपर रहता, माध्यम वन पानी रहता, और नीचे हवा रहता, तो क्या होता? अब पानी तो हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। अब प्रकाश को इस तरह गुजारिए, प्रकाश किधर से आ रही है? सघन माध्यम से। इसमें विरल माध्यम से होकर आ रही थी, इसमें सघन माध्यम से होकर आ रही है। इस पर अभिलंब खींचिए, इस तरह जाती ना प्रकाश, अगर पानी सिर्फ रहता तो हवा आ गया है, विरल माध्यम आ गया है। तो अब क्या होता है, देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमेशा इस अभिलंब से हमेशा दूर हटती है, यानी कि इस अभिलंब से दूर हटेगी। जब कोई प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर हुआ? फिर से अब एक बार अपने माइंड से सोचिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए फटाफट, चलिए लीजिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ नियमों को फॉलो करती है, यानी कि पालन करती है। उन नियमों को आप लोगों को समझना है, और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं जो कि आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही,
वीडियो अगर समझ में आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।